हम बात कर रहे हैं ONGC की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में बड़ा फॉल हमको देखने के लिए मिला है। 6% की ऊपर की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है और ये गिरावट हमको सारे पूरे मार्केट में ही नज़र आई है। आज हर स्टॉक में हमको गिरावट देखने के लिए मिली एक न्यूज़ के चलते। एक बड़ी न्यूज़ जो मिडल ईस्ट में वार की सिचुएशन बनी है, उस न्यूज़ के चलते स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। और हम देख सकते हैं स्टॉक ने ब्रेक डाउन किया गिरावट के साथ। पहले कहाँ सपोर्ट लेता था, 30 के लेवल पर। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन किया, गैप डाउन ही हमको देखने के लिए मिला और इसके साथ साथ लगातार सेलिंग स्टॉक में देखने के लिए मिली। इससे पहले हमको इतनी बड़ी सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलती जितनी इस दफ़ा ONGC में देखने के लिए मिल रही है। अब जहाँ स्टॉक क्लोजिंग देगा है 108 इसका इमीडिएट सपोर्ट है और नीचे की ओर है जो इसका लो है 300 का लेवल मेजर सपोर्ट रहेगा। लेकिन मार्केट और गिरावट दिखा सकता है, आने वाले दिनों में और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए 300 के आसपास भी हमको थोड़ा सा अवेयर रह के चलना होगा, क्योंकि अगर गिरावट के साथ ब्रेकडाउन कर गया 300 का लेवल तो वैसे कंडीशन में फिर 290 नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। हम मेजर सपोर्ट की बात कर रहे हैं और इस ब्रेकडाउन के बाद 280 तक का फॉल हमको ONGC दिखा सकता है। तब अगर इसमें जंप भी आता है छोटा मोटा दोस्तों, तो थोड़ा सा हमको सावधान रहना है। हम देख सकते हैं कहाँ तक का जंप देखने के लिए मिला, 215-216 तक का, यहाँ तक का जंप स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन जितनी सेलिंग इस दफ़ा हमको देखने के लिए मिली है स्टॉक में, उतनी सेलिंग अभी तक देखने के लिए नहीं मिली थी। लगातार बायर्स हमको देखने के लिए मिल रहे। तो अब अगर 300 का ब्रेकडाउन हो जाता है तो बड़ी गिरावट, और स्टॉक अगर बाउंस बैक करके एटलीस्ट 320 के लेवल को ब्रेकआउट करता है और 3-4 दिन इसके ऊपर सस्टेन होता है तो फिर यहाँ से रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट पे तो गिरावट के बादल मंडला रहे, इसलिए थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना ठीक रहेगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।